Now history, prehistory and protohistory we will discuss, or we have already discussed about it. Now in detail we will discuss through the paragraphs. Now history, prehistory and protohistory. History essentially signifies the period of time for which written records are available. जिसके बारे में written record available है उसको history कहते हैं. It means that history belongs to the written record. By studying history we can know the precise date of events that took place millennia ago. Millennia means साक्ष्य, जो evidence है या लगभग 1000 years पहले से belong करती है जो चीजें, that we will study in the history. Now the reason is that when these events occurred they were documented in the writings of historians. जब ये घटनाएं होती थी उस समय तो उनको historians के द्वारा write कर लिया जाता था, record कर लिया जाता था. These documents are important sources of history from which we can get information regarding our past. अब इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो documents हैं ये हमारे लिए important sources हैं history के, और इन history से ही हमें इन सब चीज़ों की जो past record हैं वो पता चलता है. Prior to the invention of paper, palm leaves, rocks, pillars, clay, tablet, copper plates, bark of the birch tree were used for writing. जैसा कि आप लोग जानते हो कि सबसे पहले हम लोगों ने पेपर पे स्टार्ट लिखना नहीं किया था, जो अपनी राइटिंग स्टार्ट है वो पेपर पे नहीं की थी. पेपर डेवलप होने से, पेपर का आविष्कार होने से, पेपर का इन्वेंशन होने से पहले हम लोग पाम की पत्तियों पे लिखते थे या रॉक्स पे, चट्टानों पे लिखते थे, पिलर्स पे, स्तंभ पे लिखते थे, या फिर मिट्टी की टैबलेट्स जो होती थी उस पर लिखते थे. नाउ कॉपर प्लेट्स, या कॉपर प्लेट पे लिखते थे, या बर्च पेड़ था उसकी बार्क, छाल पर लिखते थे. मतलब जब पेपर का आविष्कार नहीं हुआ था तो उससे पहले हम इन चीज़ों पर राइट करते थे. इन्वेंशन ऑफ द कार्ट एंड द व्हील, द डिस्कवरी ऑफ फायर एटसेट्रा आर सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ अवर पास. इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि पहिए का आविष्कार या गाड़ी का आविष्कार या आग की खोज, डिस्कवरी ऑफ फायर आर सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट ऑफ अवर पास्ट. ये सब घटनाएं जो हैं हमारे पास्ट से रिलेटेड ही हैं. अभी आप लोग बसों में या कारों में या साइकिल पे घूमते हैं, इससे पहले पहिया बना कैसे होगा, ये सब हमारे पास्ट से रिलेटेड इवेंट्स हैं. However, we do not know exactly when and where these events took place. हालांकि हम लोगों को exactly नहीं पता है कि ये चीज़ें कब और कैसे हुई थी. Historical studies reveal that they might have taken place long before the practice of documenting history through writing began. इस प्रकार से हम देख सकते हैं जो हिस्टोरिकल स्टडीज़ हैं वो रिवील करती हैं कि किस प्रकार से जो डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है वो राइटिंग की थ्रू स्टार्ट हुई थी. द एंटायर पीरियड बिफोर रिकॉर्डिंग, नाउ द डिफाइन ऑफ प्री हिस्ट्री इज गिवन. यू कैन सी व्हाट इज द डिफाइन ऑफ प्री हिस्ट्री. द एंटायर पीरियड बिफोर रिकॉर्डेड हिस्ट्री इज कॉल्ड प्री हिस्ट्री. कोई भी चीज़ रिकॉर्ड होने से पहले का जो समय है, मतलब जिसके बारे में कोई भी चीज़ रिकॉर्ड नहीं है, उसको प्री हिस्ट्री या प्राग इतिहास कहते हैं. दस प्री हिस्ट्री एनकम्पासेस द एंटायर पीरियड फ्रॉम द टाइम व्हेन ह्यूमन लाइक बींग्स अपीयर टिल द टाइम व्हेन द प्रैक्टिस ऑफ रिकॉर्डिंग पास्ट इवेंट्स बिगेन. इन द ऑर्डर टू अंडरस्टैंड प्री हिस्ट्री वी डिपेंड ऑन द मटेरियल रिमेन्स ऑफ द पास्ट सच एज बोन्स, टूल्स, वेपन्स, पॉट्स, कॉइन्स, ज्वेलरी, केप पेंटिंग एटसेट्रा. दीज आर कॉल्ड आर्टिफैक्ट्स. नाउ यू कैन सी दैट प्री हिस्ट्री, फॉर प्री हिस्ट्री वी डिपेंड ऑन द मटेरियल रिमेन्स ऑफ द पास्ट. प्री हिस्ट्री को पता लगाने के लिए हम मटेरियल पर डिपेंड करते हैं, जो चीज़ें उनके द्वारा छोड़ी गई थी या जो अब निकल रही हैं नीचे ज़मीन में से, जैसे बॉन्स हैं, टूल्स हैं, वेपन्स हैं, कई हथियार अभी भी निकल रहे हैं. आप न्यूज़पेपर अगर पढ़ते हैं तो उसमें आता है कि आज ये टूल यहाँ निकला, आज ये वेपन यहाँ निकला, जो प्री हिस्ट्री से रिलेटेड है. कॉइन निकलते हैं कई बार, पुराने सिक्के आप लोगों ने देखे भी होंगे आपके घरों में, तो ये प्री हिस्ट्री के बारे में हमें बताते हैं, जिनके बारे में कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि हम इन चीज़ों